Hi guys, Merry Christmas. Hi guys, welcome back to my channel Sang Stories. I hope you all are doing good. So yeah, it's a lovely morning. So I'm having my morning tea. मेरे हाथ में चाय का कप है और अच्छा सा मौसम हो रहा है. मतलब बाहर तो ठंड है बट अंदर से देखने में धूप बहुत अच्छी लग रही है. बाहर का जो टेम्परेचर है दैट इज -7 degrees टुडे. मतलब बहुत ठंड है गाइज. एंड आज कहीं जाना भी नहीं है, रिलैक्स संडे मॉर्निंग है. तो मैंने सोचा क्यों नहीं क्रिसमस ट्री ओपन करा जाए. एंड सो मैं 2-3 दिन पहले अराउंड ब्लैक फ्राइडे वॉलमार्ट गई भी थी. तो मैं वहाँ से ये क्रिसमस ट्री लेकर आई हूँ क्योंकि उस टाइम पे अच्छे डील्स लगे हुए थे. एंड आई गॉट दिस 4 feet का क्रिसमस ट्री फॉर $39.98. मतलब अप्रॉक्सीमेटली $40 का मिल गया मुझे, विच इज़ अ वेरी गुड डील. अदरवाइज काफ़ी एक्सपेंसिव हुए हुए थे. सो यहाँ पे ना क्रिसमस ट्री की बहुत सारी वेराइटीज़ होती है. मतलब मैं कुछ टाइम पहले जब कैनेडियन टायर भी गई थी तो मैंने वहाँ पर देखा था, वहाँ पर इतने बड़े बड़े साइजेस के क्रिसमस ट्री थे. बट यहाँ पर एक्चुअली लोग बहुत अच्छे से डेकोरेट करते हैं. जैसे इंडिया में दिवाली होती है ना, आप समझ लो क्रिसमस की डेकोरेशन यहाँ पर वैसी एग्जैक्टली होती है. सो मैं कॉन्डो में भी नीचे 2-3 दिन पहले क्रिसमस ट्री की अच्छी सी डेकोरेशन हो गई. सो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था. एंड यू नो वन ऑफ माई मेकअप क्लाइंट्स, मैं उनके घर गई थी. सो वहाँ पर उन्होंने इतना ब्यूटीफुली क्रिसमस ट्री डेकोरेट करके रखा हुआ था. मतलब उन्होंने मुझे दिखाया, आई वॉज जस्ट ऑस्ट्रक सीइंग द डेकोरेशंस, बहुत ब्यूटीफुल थे. उसके बाद से आई रियली वॉन्टेड टू डू इट एज सून एज पॉसिबल. सो आई थॉट चलो इसका उद्घाटन करते हैं, खोलते हैं. पहले इसको असेंबल करेंगे हम लोग एंड देन उसके बाद जाके मैं डॉलरामा से इसकी डेकोरेशंस भी लेकर आऊँगी. तो चलो फटाफट खोलते हैं इसको, देखते हैं क्या निकलता है इसके अंदर. Let's open this. Instruction manual भी दिया हुआ है. I think stand होगा नीचे का. Yeah, that is it. That's it. तो इसको रख देते साइड पे. और पता है इसमें lights भी लगी हुई हैं already. So that's a good thing. Add on करनी है तो हम कर सकते हैं. I would need your help. Before you start to assemble your tree, tell your husband to help you out. उसमें लिखा हुआ है. और गाइज एक और चीज़ मुझे आपको बतानी है. तो मुझे ना इंस्टाग्राम में काफ़ी ऐसी यू नो मैसेजेस आते हैं, फनी इंस्टाग्राम में वो क्या बोलते हैं कमेंट्स और क्वेश्चंस आते रहते हैं. आर यू सिंगल, आर यू मैरिड यू. तो मैं बार बार काफ़ी वीडियोस में मैंने बोला भी है, सो माय हस्बैंड विल बी डूइंग दैट, वील बी गोइंग, वील बी डूइंग. तो आई एम मैरिड फर्स्ट ऑफ ऑल. और मेरे हस्बैंड वीडियोज़ में अभी नहीं आ रहे हैं क्योंकि ही इज़ लिटिल कैमरा शाय. दो मैं भी कैमरा शाय हूँ बट यू नो अभी 8 months आई थिंक हो गए मुझे करते करते, तो थोड़ा बहुत आई एम स्टिल बेटर. बट आई थिंक ही डजंट वॉन्ट टू कम फॉर नाउ. वो थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाए तब ही वुड लाइक टू कॉन्ट्रीब्यूट मोर. अभी ही सेइंग भी अपनी आवाज़ से कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे एंड मे बी इन फ्यूचर ही लाइक टू कम. सो दैट इज दैट. मूविंग फॉरवर्ड तो इसको ज्वाइन करके देना. नहीं ऊपर वाला हटाओ ना अभी, पहले नीचे की खुलेगी. सो गाइज ये हो गया है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं था इसमें. इसको हम ओपन कर देते हैं. और बताए वहाँ पर वॉलमार्ट में मैंने जब ट्री ले रही थी ना, बहुत बहुत सारी ट्रीज़ की वैरायटी थी. और एक तो स्नो कलर्ड में भी एक क्रिसमस ट्री था, मतलब पूरा वाइट था. और मेरा बहुत मन कर रहा था वो लेने का भी, वो भी बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था. बट जब मैं लेने गई तब तक वो मुझे दिखाई नहीं, मतलब वो डिस्प्ले पर था बट आउट ऑफ स्टॉक हो गया था. सो गाइज हम लोगों ने अपना फर्स्ट क्रिसमस ट्री इन कैनेडा असेंबल कर लिया है. और इस पर अभी डेकोरेशन थोड़ा स्टार एंड थोड़ा बहुत देखते हैं, छोटा छोटा कुछ डेकोरेशंस लेकर आएंगे राइट, है ना. तो मैं अभी जा रही हूँ डॉलरामा. सो चलते हैं वहाँ से कुछ कुछ डेकोरेशंस देख कर आते हैं एंड देन इसको डेकोरेट करेंगे. सो लेट्स गो. तो गाइस जो मैं कॉन्डो वाला ट्री बोल रही थी
दिस इज़ अ कॉन्डो में जो डेकोरेशन हुई है बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है मुझे. सो आई एम जस्ट टेकिंग लिटिल बिट ऑफ रेफरेंस ऑल्सो कि क्या क्या लेकर आ सकते हैं डेकोरेशन के लिए. हाँ क्योंकि लाइट्स लगी हुई ना. मैरी मैरी क्रिसमस. सो मैं डॉलरामा आ गई हूँ एंड बहुत सारी वेराइटीज़ हैं यहाँ पे यार. सो वील स्टार्ट विद द स्टार जो ऊपर लगाना हमें. आई थिंक यही होता है ना. ये तो आएगा नहीं हमारे पेड़ के साइज से. गोल्ड ले लेते हैं ये वाला ना. दिस वन एंड इसका प्राइस $225 है. तो बेसिकली एवरीथिंग वुड बी अराउंड $4 ओनली यहाँ पे. So these are the bows. I think ये gifting के लिए होता होगा. Oh, this is nice. Oh, it's a mask. Oh, it's like this. Hi guys, Merry Christmas. अच्छा, I think these are the lights. Christmas cotton balls. 450 की ये छोटी सेल वाली है ना. हाँ तो अच्छा, दीज आर टू कीप नियर द क्रिसमस ट्री. वो ऐसे फेक गिफ्ट्स नहीं रखते सो दैट थोड़ा अच्छा पिक्चर्स लेने के लिए अच्छा लगे. तो ये वो हैं. दीज आर वो $3. और ये कितने क्यूट लग रहे हैं यार. जस्ट $1 के $150. Guys, I can't tell you. I am just so excited for my first Christmas here in Canada. और इतनी सारी decorations देख देख के ना, I am just getting mad. मुझे लग रहा है ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ. इतना सुंदर है सब कुछ यहाँ पे. ओ, ये भी अच्छा है. ये देखो, बड़ी हमारे ट्री के लिए बड़ा हो जाएगा. Even these stars are nice. ये भी है यार. क्या reindeers भी हैं. इन पे light जलेंगे क्या? It's just like that. But these are heavy. I think that's too much. So I want something in white also. So guys, almost done with my shopping. और ख़ुद को control करना यहाँ बहुत difficult हो रहा है. इतना सब कुछ है but मैंने डाल लिया चीज़ें इसमें से. एक बार बस I'll just recheck once कि कुछ extra ना आ जाए, क्योंकि Dollarama में return exchange नहीं होता है. So I'm just going to check once. So guys, मैं decorations लेकर आ गई हूँ Dollarama से. I'm just so excited to decorate the Christmas tree. Lunch time now, having some pasta, home cooked. Pesto pasta, yum yum. यहाँ पे stuffed pasta इतने सारे variety के मिलते हैं. बहुत yummy होते हैं यार. बहुत tasty होते हैं. Thank you. So guys, decoration is done. So that's my Christmas tree for this year. और मेरे को तो बहुत ही beautiful लग रहा है. Time काफ़ी ज़्यादा लग गया but मज़ा बहुत आया decoration करने में. And देख कर बताओ कैसा लग रहा है आपको. एंड बाकी तो आई वॉज थिंकिंग कुछ अगर मुझे ऐड ऑन करना ही होगा तो Dollarama तो है ही, वहाँ पर बहुत कुछ मिल ही जाएगा. बट फॉर नाउ आई एम रियली सैटिस्फाइड विद दिस डेकोरेशन एंड द लाइटिंग एंड एवरीथिंग. और ये सैंटा क्लॉज इतना क्यूट लग रहा है मुझे. बहुत बहुत ही अच्छा लग रहा है सब कुछ.
तो बचपन में हम सब ने आई थिंक वो करा होगा, स्टोरी भी सुनी होगी जब मम्मी पापा बोलते थे कि क्रिसमस ट्री पर जाके सॉक्स लगा दो और उस पर इफ़ यू आर अ गुड चाइल्ड सांता क्लॉस आएगा और आपको गिफ्ट देकर जाएगा, एंड इफ़ यू आर अ बैड चाइल्ड आई थिंक गिफ्ट तो तभी मिल ही जाता था। तो एनीवेज गिफ्ट के साथ, बट मेरी जो मेमोरी रही है ना, मुझे गिफ्ट के साथ हमेशा एक लेटर है जो ऑब्वियसली धीरे धीरे जब बड़े होते गए तो पता चलता गया कि कोई सांता नहीं आता था, मम्मी पापा ही सांता होते हैं एंड वो ही डालते थे गिफ्ट्स। सो मैंने वो ट्रेडिशन फॉलो करते हुए ये सॉक्स मुझे वहाँ पर दिखी बहुत क्यूट सी, सो आई गॉट इट, सो वील गिफ्ट समथिंग, कुछ डाल देंगे इसमें, एंड सांता क्लॉस तो हमारे घर आ चुके हैं। सो आई होप सांता ब्रिंग्स लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी एंड हैप्पीनेस इन ऑल आर लाइव्स एंड बहुत अच्छे से जाए सबका क्रिसमस। आई होप क्रिसमस ट्री का जो ये मैंने पूरा व्लॉग बनाया आज घर पे आप लोगों को अच्छा लगा होगा, एंड प्लीज़ डू कमेंट डाउन एंड लेट मी नो कि कैसा लग रहा है क्रिसमस ट्री आप लोगों को, एंड आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। आई एम जस्ट गोइंग टू सिट हियर एंड एंजॉय माय इवनिंग चाय। सो आई होप आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक माई टुडेज वीडियो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, मेरी क्रिसमस।